ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ 63 तमिल शिव भक्तों में जो अगले शिव भक्त हैं वो है नव नंदी, या जिन्हें तमिल में नमी नंदी अड़िगल के नाम से जाना जाता है। नव नंदी, जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है, नव अर्थात नया और नंदी अर्थात नंदी। ये इतने बड़े शिव भक्त थे, इन्होंने सभी वेदों का अध्ययन किया था और सभी प्रकार के भगवान शिव के निमित्त यज्ञ किए थे। सभी प्रकार के ये रिचुअल्स फॉलो करते थे, भगवान शिव की सेवा में हमेशा लगे रहते थे और शिव भक्तों का बहुत सम्मान करते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। इसलिए लोग इन्हें नया नंदी कहने लगे थे और इनका नाम नव नंदी या नमी नंदी अड़िगल पड़ गया था। अड़िगल का अर्थ होता है भक्त। इनका जन्म उस समय में, प्राचीन समय में, जिन्हें जिस स्थान को हेमलामपुर नामक स्थान के रूप में जाना जाता था, अभी वो तमिलनाडु के एम्पेरूर नामक स्थान के रूप में जाना जाता है और ये स्थान कमलाले अर्थात तिरुवारूर के पास में है। इनका जन्म पुजारी परिवार में हुआ था। ये कमलाले के मंदिर में भगवान की पूजा करते थे। एक समय जब ये भगवान का दर्शन करके श्याम के समय मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तब इनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना त्यागेश्वर मंदिर को दीपों से सजाया जाए और दीपोत्सव मनाया जाए। ऐसा विचार करके ये एक, अब यहाँ पर दो जगह थोड़ा डिफरेंस आता है इस कथा में। एक जगह तो ये वर्णित है कि ये एक दुकान पर घी खरीदने गए और दूसरी जगह वर्णित है कि ये एक पड़ोसी के घर घी लेने पहुंचे थे ताकि ये दीप प्रज्वलित कर सके। किंतु वो जहां पर ये घी लेने गए वो स्थान था उन लोगों का जिन्होंने त्रिनावकर्षण या वागीस या अपर को भी डिस्टर्ब किया था, यानी किसी जैन का वो घर था। और उन्होंने इस पर व्यंग करते हुए पूछा कि इतने घी का तुम क्या करोगे। तब उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख दिए कमलाले मंदिर में जलाऊंगा भगवान शिव के लिए। तो उसने कहा कि शिव कौन है। इन नवनंदी ने उत्तर दिया कि शिव पूर्ण परमेश्वर है, अष्टमूर्तियों के अधिपति हैं और सारे ब्रह्मांड के वही स्वामी है। ऐसा सुन करके उन्होंने कहा कि यदि इतना ही वो है तो तुम पानी से दिए जला लो, घी नहीं है। उन्होंने नवनंदी पर कटाक्ष किया, व्यंग किया। तब नवनंदी को एक बात और कही कि तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के हाथ में तो वैसे ही अग्नि होती है, इसलिए तुम्हें घी की क्या आवश्यकता है, तुम जल दीपक में डालो और उससे ही दिए जला लो। ये बात सुनकर के नवनंदी को बहुत बुरा लगा और सीधे पहुंचे परमेश्वर त्यागेश्वर के शरण में और भगवान के सामने खड़े होकर के वो दुखी मन से सारी व्यथा उन्होंने कह दी और वो कटाक्ष भी बता दिया। तभी एक आकाशवाणी हुई भगवान की और भगवान ने कहा कि जो कमलाले में जो तीर्थ है, जो पोंड या तालाब है, किसी मंदिर में जो तालाब रहता है उसको तीर्थ बोलते हैं, वो तीर्थ से तुम जल लेकर के दिए जलाओ। और नवनंदी ने वैसा ही किया। 1 लाख दिए उन्होंने उस मंदिर में जल डाल करके प्रज्वलित कर दिए और वो दिए जल भी गए, वो सब प्रज्वलित हो गए और पूरी रात वो दिए प्रज्वलित रहे, सुबह होने तक वो दिए प्रज्वलित रहे। ऐसा आश्चर्य देख करके वो जितने भी वहां पर विधर्मी थे, जो अवैदिक लोग थे, वो कुछ तो डर करके भाग गए, कमलाले क्षेत्र ही उन्होंने छोड़ दिया और कुछ शैव धर्म में प्रवेश कर गए और शिव के शरणागत हो गए। नवनंदी उसके बाद नित्य किसी घी वगैरह की कोई टेंशन उन्हें नहीं रही, वो हमेशा उस कमलाले तीर्थ के जल से ही, उस पोंड से, उस तालाब से जल लेके आते और नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते और जल से ही दीपक प्रज्वलित करते थे। ऐसा वहां पर चोल राजा ने जब ये चमत्कार सुना तो उन्होंने नवनंदी को मुख्य पुजारी वहां पर घोषित कर दिया। अब नवनंदी ऐसे ही भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक और घटना इनके जीवन में घटी। जब ये एक विशेष उत्सव था और भगवान की सवारी निकल रही थी, तब इन्होंने रास्ते में ऊंची जगह पर खड़ा होकर के भगवान के दर्शन किए। उस समय उस उत्सव में सभी प्रकार की जाति के लोग थे और सभी शिव भक्त थे, भगवान के उत्सव में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। जब वो घर आए तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से पानी
डाल दो, मैं स्नान करूंगा। उनके मन में भाव आया था कि सभी जाति के लोग वहां पर उपस्थित थे, इसलिए मैं कहीं दूषित ना हो गया हूं। दूसरी निम्न ऊंची नीची जाति वाला भाव इनके मन में आ गया था। अब जब तक पानी इनके लिए गर्म होकर तैयार होता, तब तक इन्हें नींद आ गई और भगवान शिव ने इन्हें स्वप्न में कहा कि तुम्हें ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि कमलालय में कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सभी सबके सब शिव के गण हैं और सब शिव स्वरूप हैं, इसलिए तुम ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी मत करो और ऐसा कभी दिमाग में भी मत लेके आना। जब इनकी नींद टूटी तब इन्हें बहुत पछतावा हुआ, अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ और भगवान शिव का आदेश इन्होंने स्वीकार किया और फिर उन्होंने स्नान नहीं किया, सीधा पूजा की। घर पर पूजा करके सीधे कमलालय उस मंदिर में पहुंचे तो जितने भी वहां पर शिव भक्त थे सभी जाति के इन्हें शिव स्वरूप दिखे, सबके त्रिनेत्र थे, सबके भाल पर चंद्रमा था, सबके हाथ में एक में हिरण और एक में परशु अर्थात फरसा था, चतुर्भुज रूप में सबके सब जितने भी वहां पर शिव भक्त आए हुए थे वो सबके सब इन्हें शिव के साक्षात स्वरूप दिखे और इन्होंने सब शिव भक्तों को वहां चाहे किसी भी जाति का वो हो, इन्होंने जाति तो खत्म ही हो गई थी, सब शिव रूप शिव के रूप दिखे और ये दंडवत करके उन्हें प्रणाम करने लगे। जब इन्होंने दंडवत किया और प्रणाम किया, सबको साष्टांग दंडवत किया, उसके बाद जब ये उठे तो जितने भी वो शिव स्वरूप शिव भक्त थे सब नॉर्मल फॉर्म में इनको दिखे, जो सामान्य उनका स्वरूप था मानव स्वरूप उसी स्वरूप में वो सब शिव भक्त दिखे। तब इनके मन में भाव उत्पन्न हो गया कि ये ऊंच नीच जाति पाति सब हमारा ही प्रपंच है, भगवान शिव के लिए सब कुछ हर एक जीव सम है, वो सब पर समरूप से कृपा करते हैं। त्रिनावकर्षर ने इन नवनंदी को इस जल से दिया जलाने के कारण, इस चमत्कार के कारण भक्त मणि और सेवक मणि की उपाधि दी, प्योर गोल्ड इन्हें एक ऐसा संबोधित किया और तब से नवनंदी अपनी पत्नी के साथ हमेशा शिव भक्ति में लीन रहते और अंत समय में इन्होंने भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुक्ति भगवान शिव की कृपा से इन्हें प्राप्त हुई। जो स्तोत्र नवनंदी ने भगवान त्यागेश्वर के लिए गाया था वो त्यागेश्वर का एक पहला स्तोत्र मैं अभी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। लिंक PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी अर्थ के साथ है वो स्तोत्र और त्यागेश्वर के शरणागत आप हो सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।